गाइस कैलम सुप के भाई, आज हम आपको मिलाने वाले हैं अमन भैया से, जो ये सेंट्रो कार इसको चलाते और यहाँ पे आए थे भुवन भैया के पास। तो सोचा है कि ये कस्टमर रिव्यू वो बनाते भैया का ना पॉइंट व्यू, जानते कि इन्होंने ये कार क्यों ली थी, क्या सोच के लिए, और इससे पहले कौन सी कार ये चलाया करते थे, और ये इस कार पर क्यों ये शिफ्ट हुए हैं। तो हेलो भैया। हेलो भैया, भैया पहले आप बढ़िया भैया, आपका नाम क्या, कहाँ से हो? अमन नाम है मेरा, मैं पंचकुला से। अच्छा, तो पंचकुला से यहाँ पे काम करवाने? जी, यहाँ पे मेरी मासी है, तो उन्होंने कहा मार्केट अच्छी है भाई ने। अच्छा। और किफ़ायती भी है, तो इस करके यहाँ पे काम करने के लिए आए। फिर कार वहीं से ली है आपने? हाँ जी, वहीं से ली है वो, पंचकुला से। हाँ जी। क्या बात भाई, कितने की दूर पड़ी आपको यहाँ से? कर यहाँ से 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, अब देख लो, अब काउंट कर लो किलोमीटर, तो मैंने नापे नहीं अभी। भाई 3.5 घंटे की ड्राइव करके आए स्पेशली, क्या बात है। तो कैसा लग रहा है इनका काम जो हो रहा है? मैं देख रहा हूँ किफ़ायती भी है वो काम, अच्छा है। अभी कंप्लीट होने के बाद ही मैं पक्का बता पाऊँगा कि भाई कैसा फील हुआ। वैसे जो चीज़ वहाँ नहीं है वो यहाँ पे मिल रही है मेरे को। वहाँ क्यों नहीं है भाई? वहाँ मार्केट्स में है लेकिन वो उनकी कीमत यहाँ से डबल है, तो जो चीज़ यहाँ पे 4,000 की है वहाँ पे 8,000 की 10,000 की बोल रहे हैं वो, तो इतना मुनाफा कमाने के लिए, मतलब फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और एक चीज़ से काम नहीं है तो कई चीज़ लगवानी है, तो उसमें लगा लो आप, पैसे ही बच ही रहे हैं मेरे कैसे न कैसे। तो भाई ये रही थी जो काम करवाने की बात, अब बात करते हैं जो अपनी कार की, ठीक है? तो ये अपने कार क्यों की भाई, हम जो होंडा की है जो सेंट्रो ये लेते हैं? सेंट्रो इसलिए ली क्योंकि इसका इंटीरियर फील अच्छा है और किफ़ायती है और एवरेज अच्छी है इसकी गाड़ी की। एक फैमिली सी कार है, हैचबैक है, जो फर्स्ट कार है मेरी, तो इसलिए मैंने हाँ जी फर्स्ट कार है, तो हैचबैक लेनी सोच रहा था मैं। कई ऑप्शन थे लाइक i20 ये सब, तो फिर मैं स्टार्टिंग की इसी से ताकि फर्स्ट टाइम मैं सीख लूँ और अच्छे से चलाऊँ इसको, बाद में फिर अपग्रेड करेंगे ये। अच्छा। ये तो पहले आपने कौन सी कार चलाई है लेने से पहले? इससे पहले मैंने जैन चलाई है, सुजुकी जैन। अच्छा। वो छोटी सी पिद्दी सी गाड़ी वो। अच्छा। चलाई थी वो पहले, वो काफ़ी टाइम पहले थी, तो उसके बाद अब ये मेरी एज ए फर्स्ट ओनर मेरी यही कार है, वो सेकेंड हैंड जब भी मतलब ड्राइविंग के लिए ली थी। हाँ जी। क्या करते आप? मैं अभी बिजनेस है खुद का, एडवर्टीजमेंट का है। तो जैसे जैसे हाँ मार्केटिंग जैसे जैसे बढ़ता है उस टाइम फिर अपग्रेड करेंगे धीरे धीरे इसको। कौन सा मॉडल है? टॉप है क्या ये? टॉप स्पोर्ट्स वर्जन है, टॉप से नीचे वाला? नीचे वाला। अच्छा, कितने लाख की पड़ी आपको ये? 6.5 लाख। हाँ जी। तो 6.5 लाख में तो और भी आती है कार, मतलब एक ह्यूंडई कार है ना, तो उसकी इंटीरियर फील मैंने काफ़ी से लोगों से सुना था कि भाई सुजुकी भी ले सकते हैं वैसे तो, और वोक्स वैगन भी है, वेंटो और दूसरी गाड़ियां भी हैं, बट उनमें काफ़ी टाइम बाद आवाज़ आने लग जाती है ऐसा सुनने में आया है। अच्छा। तो दोस्तों का एक्सपीरियंस भी था, तो उन्होंने कहा रिकमेंड किया ह्यूंडई, अगर फर्स्ट ले रहा है तो पहले ह्यूंडई से स्टार्ट कर, उसके बाद अपग्रेड करना है तो तुम किसी पे भी जा सकता है, तो ये इसलिए मैंने सेंट्रो पहले ली। तो आपने कार लेने की देखी यार भाई, जो सेंटर वो लेंगे, ठीक है? तो कभी आपने फिर चला के देखी थी इससे पहले? टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार टेस्ट ड्राइव तो की थी। अच्छा, शोरूम पे ही? हाँ जी, उससे पहले तो नहीं चलाई कभी। तो कैसे भी लगा मतलब चला के देखिए शोरूम पे? शोरूम पे अच्छा था उसका, वो टॉप वर्जन था जो चलाया था मैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम फीलिंग थी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बस उन्होंने कहा कि बस इसी में जो टॉप वर्जन है उसमें वीडियो पैनल अलग होता है, उसके अलावा बाकी सब सेम है। हाँ। आपने तो ये मॉडल क्यों प्रेफर किया कि भाई हम तो ये लेंगे यार, बेस क्यों नहीं लिया फिर आपने इसका? बेस इसलिए नहीं लिया, पहले वैसे लेने का तो टॉप भी ले सकते थे। हाँ। फिर बोले कि सिर्फ वीडियो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर आप ले रहे हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट है। बेस मेरे को लेना नहीं था क्योंकि अब लेने लग गए तो फिर अपग्रेड में ही चलेंगे ना। अच्छा, क्या बात है, ऐसा कुछ भाई है। तो आपने कितने किलोमीटर चला लिए कार अभी? 20,000 अप्रोक्स है। 20,000? और इसको लिए हुए हो गया 1 साल 4 महीने 5 महीने हुए होंगे, मतलब 1.5 साल के करीब। 1.5 साल में 20,000 चला? 20,000 से ऊपर। 20,000 के ऊपर। तो उस टाइम पे आपका इसका अनुभव क्या रहा, मतलब इस कार को लेके? मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। अच्छा। बस धोने की जरूरत तो पड़ती है वाइट कलर की वजह से,
उसके अलावा कोई अंदरूनी इंजन से या फिर मेरे को सीट से या ड्राइविंग से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जैसे कि देख ही रहे हैं आप, 1.5 साल के अंदर 20,000 से ऊपर हो गया, ट्रैवल फ्री हैं। तो ये तो भाई देखो ऐसी कुछ है भाई, ये टॉप से नीचे वाला मॉडल है और भाई 20,803 किलोमीटर चल चुकी है भाई गाड़ी। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो भाई ये 1.5 साल के अंदर भाई, तो अभी तक कोई आवाज़ आ रही है डोर्स के अंदर खड़कने की भैया? नहीं कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल। अच्छा। सेम है जैसी शोरूम से निकली थी वैसी है। अच्छा। और हर टाइम इनकी कॉल्स आती रहती हैं शोरूम से मेंटेनेंस के लिए, तो डेली की मतलब रूटीन चेकअप चलता रहता है इसका हर 3-6 महीने में। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अगर कोई फर्स्ट टाइम ओनर लेना चाहे तो ले सकता है, किफ़ायती भी है, कम कीमत में है और अच्छी चल रही है। एक भाई जैसे ना आप जो आपने कार ली, हाँ जी, तो उस टाइम पे आपने सीट कवर क्यों डलवाई, अब क्यों डलवा रहे हो? अब सीट कवर उस टाइम इसलिए नहीं डलवाए कि वही बाहर से डलवाएंगे, कंपनी रेट्स का वही है, 2-4 ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिले हैं शॉप के ऊपर आके, तो इसलिए मैं यहाँ से डलवा रहा हूँ, ये रीज़न है। तो कितना टाइम तक रखी फिर आपने वो पन्नी? 2 महीने बाद फाड़ दी थी मैं। अच्छा, तो उसके बाद ये थोड़ी गंदी होने लगी थी, अब तो अब इसका सुधार करना जरूरी था, इसलिए इधर लेके आए। भाई जो कंपनी वाले ये कवर आते हैं इनका अच्छा खासा भी है ने यूज़ है, वो किया हुआ आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई। और अब जो ये क्रीम वाले ये कवर ये लगाने वाले हैं भाई इसके अंदर आप देख रहे हैं, तो बोन भी है यहाँ पे लगाए। तो भैया अगर कोई भाई ये कार लेना जा रहे की तरफ जा रहा है आपकी वीडियो देख के, हाँ, तो उसको क्या ये लेनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर ले अगर उसकी बजट ज़्यादा नहीं है और किफ़ायती गाड़ी लेनी है जिसकी अच्छी सर्विस है, लो मेंटेनेंस, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये ले सकता है वो। अच्छा। बाकी गाड़ियाँ भी ठीक हैं, लेकिन इसका जो ये डिज़ाइन है, कर्व डिज़ाइन है, उसकी वजह से जो बैक सीटर है जो उसको स्पेस अच्छा मिलता है बैठने के बाद। अच्छा, जैसे ना, हाँ जी, जैसे दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ा सा ले बैक होता है डिज़ाइन, इसमें ले बैक टाइम स्ट्रेट है, इसकी वजह से इंटीरियर है ना थोड़ा खुला खुला और बड़ा बड़ा लगता है। अच्छा, ये डिफरेंस है मेरे को लगा, इसलिए मैंने ये चूज़ की गाड़ी। और ये ना आपको ना माइलेज है वो क्या दे रही है? माइलेज मेरे को दे रही है अगर हाईवे पे चल रही है तो 20-21 के करीब है। पक्की बात है। अच्छा। 20 के अराउंड तो है, और सिटी के अंदर जा रहे हैं तो 16-17 दे रही है। हाँ जी। अच्छा, इसके मुकाबले की आपने और कार चलाई यहाँ पे किसी सर्कल में? इसके मुकाबले सेलेरियो, सुजुकी सेलेरियो ट्राई की थी। अच्छा। तो उसमें बस वही है कि वही थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क था और इंटीरियर इतना अपडेटेड नहीं था, जैसे इसमें स्क्रीन पैनल दिया हुआ है इतने लो बजट में, और ब्लूटूथ सब कुछ सर्विस अच्छी है इसकी, तो इसलिए मैंने ये चूज़ की सेंट्रो। इससे पहले सेलेरियो चलाई मैंने और वॉक्सवैगन की भी देखी थी, उसमें वेंट जो होती है जो लो मॉडल आता है वो ट्राई की थी। टाटा की नहीं देखी थी? टाटा की ही नहीं देखी मैं, नहीं वो नहीं देखी। अच्छा, क्या बात है। तो भाई इसकी ना आपको ना अगर रीसेल वैल्यू की बात करें आपको क्या मिल रही है अगर फिलहाल कोई आया आपके पास कोई रीसेल वैल्यू? करंटली तो मैंने पूछा नहीं, वैसे किसी ने जिक्र किया था फ्रेंड ने कि भी अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है, तो वो मेरे को बोल रहे थे 1 साल बाद की बात, मतलब 1 साल हो गया था इसको, 5 या 4.5 के करीब बोल रहे थे। अच्छा, मतलब रीसेल वैल्यू बढ़िया है? रीसेल वैल्यू अच्छी है इसकी। ठीक, कोई भी बंदा कार लेते हैं ना भैया तो वो देखते हैं यार आगे इसको बेचूँ ना, हाँ, तो मेरे को पैसे टूटने नहीं चाहिए इतने, है ना, बचने चाहिए भाई यार। तो अब देख लो जैसे ऑल्टो की मार्केट भी अच्छी है, हाँ, कितने की? 4-4.5 की नहीं आती है, लेकिन फिर भी 2.5 की, 2 की तो बिकती ही है, 3 तक की भी जा रही है। अब तो चलो मॉडल ही बंद हो गया, लेकिन ये अब नया मॉडल आया है सेंट्रो का, तो मेरे को इतने की 5-6 की 6.5 की पड़ी है, तो कहीं नहीं 4.5 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, मरे से मरे मिलेंगे इसके। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर मॉडल आया है नया, हाँ, तो इसके करके फिर 5-10 साल तो कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, अब आप ना आगे कौन सी कार लोगे भैया? आगे नेक्स्ट मैं ह्युंडई की ही सोच रहा हूँ। अच्छा, या तो क्रेटा अपग्रेड करूँगा, तो एक नहीं आ रही है क्रेटा? हाँ। अच्छा, तो भैया आपको ना कहना, ये जो लाइट दे रखी इनका थ्रो कैसा लगा रात के समय? लाइट्स का लाइट्स ओके हैं, मतलब हाई बीम की यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, इसी के अंदर एडजस्टमेंट मीटर दिया हुआ है लाइट्स का। अच्छा। लो बीम पे ही एडजस्टमेंट मीटर दिया हुआ है, ये 3 राउंड तक दिया हुआ है, ये मतलब हाई बीम से बिल्कुल मामूली सा कम रखता है,
लेकिन हाई बीम की जरूरत नहीं होती हाईवे पे भी। अच्छा, मतलब रोशनी काफी अच्छी है। ओके, टायरों की ग्रिप आपको कैसी लगी इसकी? टायर तो साथ के होंगे ना? ये टायर ये बिल्कुल साथ के हैं। ग्रिप कैसी लगी आपको इसकी? टायरों की ग्रिप बैलेंसिंग है। अच्छा, इतनी बढ़िया नहीं है, कम भी है? हाँ, ऐसा नहीं है कि घुसा देगी कहीं स्पीड में जा रहे हैं तो। बैलेंसिंग है, जब चाहे रोकना चाहे तो रुक जाएगी और चलाना खींचना चाहे तो खींच भी जाएगी। आपने कितने में खींच ली कार? ये 150 भी चलाई है मैंने हाईवे पर अभी तक। हाँ, तो उस टाइम पे इसके जो हैरियर थी मेरे साथ में, हैरियर मेरे साथ में लगी हुई थी तो मैंने खींच दी 150 पे। अच्छा, 150 पे खींचने के बाद फिर उसको लगा कि रेस कर रहा है, फिर हैरियर वाले ने खींच दी, बस वो फिर तो जूम जैसे ही गया, मतलब उसकी टक्कर तो नहीं कर पाई। हाँ। लेकिन एक बार तो बराबर में लगाई दी थी ये 150 से। हाँ, तो भी आपने तो ये 150 पे चलाई। हाँ जी। उस टाइम पे बॉडी रोल कितना था, स्टेबल कैसी थी कार? उस टाइम पे थोड़ा सा कम थी, 150 पे जाने के बाद थोड़ा ब्लिंक हो रही थी, फिर जैसे ही 120 के अराउंड आई तो बैलेंस हो गया था। अच्छा। हाँ, मतलब कि 100 पे आराम से चलेगी? 100-120 पे भी आराम से चलेगी। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, जब रोकना चाहें रोक सकते हैं, लेकिन 150 पे जाने के बाद थोड़ी सी ब्लिंक होती है। इसको आप कहाँ कहाँ तक लेके जा लिए भैया? ये जा चुकी है दिल्ली, शिमला जा चुकी, और चंडीगढ़ गेड़ी रूट पे चलती रहती है। उसके अलावा मोहाली में, पंजाब में, अभी यहाँ पे हिसार में, सिरसा, फतेहाबाद, मतलब पूरा अराउंड इंडिया तो नहीं, हरियाणा कवर किया हुआ है। अच्छा, मतलब ये सबसे लंबी कितने किलोमीटर आप इसको लेके जा चुके होंगे? सबसे लंबी ये आई थिंक सिरसा ही गई है अभी तक, चंडीगढ़ से सिरसा। अच्छा जी, उस टाइम पे कैसा था ये इसका परफॉर्मेंस? अच्छा था, मेरे को थोड़ा सा भी मतलब टाइडीनेस फील नहीं हुआ, बिल्कुल रिलैक्स में गया और फ्रेश उतरा जहाँ पे सिरसा में मेरे को स्टे था। कितने बंदे गए थे इसमें? उस टाइम पे दो ही थे, मैं और मेरा भाई। अच्छा। वैसे पांच भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पीछे बैठने के बाद कंधे भिड़ते हैं। हाँ। तो वो इसमें इश्यू नहीं है, कंधे भिड़ने वाला इशू नहीं है। जैसे मैं बता रहा ना, ये जो पीछे से उठा हुआ है इसकी वजह से थोड़ा वाइड एंगल मिलता है पीछे वाले बंदे को भी, तो वो आराम से एक एडजस्ट हो जाता है। तो उसके अलावा आपको ना जो ब्रेक है वो कैसी लगी? मतलब ब्रेक तो आपने मारे हुए ना एकदम? ब्रेक यूज़ किए मैं, मतलब छोटी गाड़ियों के हिसाब से ठीक है। अच्छा। अब जैसे एकदम बिल्कुल खड़े ब्रेक मारते हैं तो उसमें थोड़ा सा झटका लगता है कि भाई गाड़ी आगे ना निकल जाए, इंजन निकल के ना भाग जाए, ऐसा कुछ सिस्टम ना हो जाए, तो थोड़ा सा आता है, आवाज़ तो आती है एकदम बिल्कुल 90 पे जाती हुई, एकदम रोकेंगे तो उस टाइम आवाज़ आती है। बाकी छोटी गाड़ियों के हिसाब से ठीक है। मैंने जेन चलाई है, सलेरियो भी ट्राई किया था, तो उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ आती है उनके अंदर। अच्छा। हाँ, आपने ब्रेक कितनी स्पीड पे मारे हैं इसके? मतलब 100 पे मारे हैं? 90 पे गए। अच्छा, 90 पे, मतलब खड़ी रुकी? मतलब वो पुलिस वाले वो लेके बैठे थे, क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। हाँ। मैंने कम करने की कोशिश की तो लेकिन पकड़ा गया, फिर भी मारे मैं। तो ऐसे था भाई आज की ये वीडियो जो आपने देखी, तो थैंक यू भैया हमें टाइम दिया। ओके भैया, थैंक यू। तो भाई ऐसी कुछ थी आज की ये वीडियो जो कि आपने भी देखी, तो भाई बताना ये आपको कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा।